हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन टैली चैट एंड आई एम अंकल यश विद यू आपको एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए। दोस्तों आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहानी है इंडस्ट्री के सबसे बड़े टीआरपी वाले शो की है, दैट इज द कपिल शर्मा शो की। जी हाँ दोस्तों, उनके नए प्रोमो में बताया गया है कि बहुत सारे दिग्गज लिरिसिस्ट और शायर इस शो का हिस्सा हुए हैं। मशहूर कलाकारों में शामिल है अजहर इकबाल, सैयद कादरी, ए एम तुर्राज, शब्बीर अहमद, फैज अनवर एंड अगेन मशीर आफरीदी। इन सारे कलाकारों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा मस्ती और मजा किया था कपिल शर्मा शो के सेट के ऊपर। इवन कपिल शर्मा को तो आप जानते हो ठहाके लगाने में कितने मशहूर है, और तभी वो शब्बीर के साथ बात करते हुए कहते हैं कि आपने सलमान खान के ऊपर बहुत सारे गीते वगैरह लिखे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों सलमान खान अभी तक कुंवारे बैठे हैं? उसका रीजन है कि आप उनके साथ रहते हो। और ये सोचकर ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। इनके साथ साथ कपिल शर्मा एक और बात को एम्फसाइज करता है और पूछता है कि सैयद साहब, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, जैसे कि होठ तेरे दिल मेरा प्यासा, इतनी सारी प्यास आप लाते कहां से हो यार? और तभी सैयद कहते हैं कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और वहां पर पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए तो कपिल वॉज ने कुछ और लिख देते यार, इतना मतलब इंटीमेसी वाला बनने की क्या जरूरत थी। तो ये वाली ये सारी बातें जो है नोक जो मस्ती मजाक चल रहा था कपिल शर्मा शो के ऊपर। इवन एक और बात है, कृष्णा आकर सपना बनकर बहुत ही ज्यादा लोगों को हंसाते हैं, और आगे ये पूरा का पूरा एपिसोड कैसा होता है वो तो शो जानने के बाद ही पता चलेगा। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।